जिंदा रहोगी मेरे अंदर, अमन के अंदर। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इतने बड़े घर में शांत से रहता है, कोई शर्म नहीं आती? तुम कब आई? ये मेरा घर, आने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये क्या है? ये सेटअप मशीन? ये पॉलीग्राफ है, सच झूठ का पता लगाने वाली मशीन। कमाल की चीज है, मुंह से झूठ निकलते ही पकड़ लेती है। पर ये यहाँ मेरे घर में क्या कर रही है? खास तुम्हारे लिए मंगवाई गई ये मशीन। मेरे लिए? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सच के सिवा कुछ कहती नहीं और ये मशीन सच के सिवा कुछ सुनती नहीं। झूठ से जैसे इसे सख्त नफरत है। क्या पता तुम्हारे सच बोलने का झूठ भी सबके सामने आ जाएगा। लुक मिस्टर नील, ना इस वक्त मेरे पास तुम्हारे लिए और ना तुम्हारी इस मशीन के लिए टाइम। मुझे बहुत ही जरूरी काम से जाना है। अरे वेट 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 वेट, तुम्हें कहां जाना है, क्यों जाना है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पर तुम्हारा यह जानना बहुत जरूरी है कि तुम इस एक्सीडेंट केस की प्राइम विटनेस हो, गवाह। तो तुम इस केस से अपना हाथ छुड़ाकर नहीं जा सकती। वाह, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी और मैं खुद ही फंस गई। लुक, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर मन में चोट नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है अनन्या? यही फर्क होता है एक मशीन और इंसान में। हम आंखों में देखने के बावजूद भी सच का पता नहीं लगा पाते और ये मशीन बिना देखे झूठ का पता लगा लेती है। अब हमारी तरह ये इमोशनल ब्लैकमेल जो नहीं होती। सो व्हाट से मिस अनन्या वर्मा? यू नो व्हाट, लेट्स डू दिस, क्योंकि सच को खुद को साबित करना पड़ता है, झूठ को नहीं। कौन हो तुम? फॉर द रिकॉर्ड, अनन्या नाम है मेरा। दिल्ली से मैंने कॉलेज किया और यहाँ अपनी मामा के साथ रहती हूँ। मुंबई में आए हुए कितना वक्त? 1 महीना 12 दिन और 2 घंटे। दिल्ली से मुंबई आने का मकसद? कुछ खो गया था, उसे ढूंढ कर वापस ले जाने आई। तो यहां रहती है अनन्या मैडम। एक आखिरी सवाल, तुमने अपने फोन में मेरी और रिया की तस्वीरें ली थी, हाँ या ना? नहीं, और ना मैं तुम्हारे बेतुके सवालों का जवाब दूंगी। ग्रेट, मान ली तुम्हारी बात, I trust you। ये लो, पी लो।
जैसे एक सच है जो तुम मुझसे छुपा रहे। उस आदमी का नाम जिसने मेरा एक्सीडेंट किया है, तुम्हें उसका नाम पता है अनन्या? बताओ अनन्या, क्या तुम उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रही हो? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। क्या बेतु के सवाल है? मैं क्यों किसी को बचाऊंगी? मैं किसी को जानती ही नहीं हूं। बस अनन्या, बस। तुम झूठ बोल रही हो, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। क्यों बोल रही हो? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा एक्सीडेंट किसने किया मुझे नहीं पता, और तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही हो ये भी नहीं जानता। बस इतना पता है, जिसे तुम बचा रही हो वो एक क्रिमिनल जो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। He needs to be behind the bars. दीक्षा बू, हेलो। हेलो रिया, सुन, तुझे एड्रेस मैसेज किया ना, उस पे तो फॉरन आ जा, मैं यही हूँ, ठीक है? पर बुआ मैं भी नहीं आ सकती, मैं और दादी ऑलरेडी नील को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। बुआ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे प्रिया, पर सुन, बेवकूफ लड़की, नील यही है, यही तो बताना था उसे। क्या? दीक्षा बुआ कह रही थी कि कोई एड्रेस मैसेज कर रही है, उस पर जल्दी बुला रही है। लड़की ने दवाइयां लेना फिर से बंद कर दिया है, तू उसकी तरफ ध्यान मत दे, चल गाड़ी में बैठ। ठीक है। जानती हो अनन्या, तुम्हारे खामोशी का नतीजा क्या हो? उस क्रिमिनल का हौसला बढ़ेगा, उसे लगेगा वो चाहे जो कुछ भी कर ले, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किस्मत जिंदगी को सिर्फ एक मौका देती है, सिर्फ और सिर्फ एक मौका, और इस बार अगर किसी बेगुनाह की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार वो क्रिमिनल नहीं, तुम, सिर्फ तुम। तुम किसी को सही राह दिखाने की बजाय उसे गुमराह कर रही हो, और इसका अंजाम अनन्या बहुत बुरा हो सकता है। अभी तुम्हें जिस किसी को बचाना है तुम बचा लो, लेकिन एक बार फिर अगर कोई हादसा होता है तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। नील तो जा रहा है, अब लाइव शो देखने का तो मौका तूने खो दिया। दिया नील, नील कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रही हो? रिलैक्स रिया, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे कॉल्स नहीं पिक कर पाया। नील प्लीज, तुम सॉरी मत बोलो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, एक नहीं बहुत सारी गलतियों के लिए। पर नील तुम थे कहाँ कल? तुम्हें पता मैंने कितने फोन किए? कल रात से तुमने एक भी मेरे फोन का रिप्लाई नहीं किया, मैं कितनी ज्यादा टेंशन में आ गई थी। वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? कब, कैसे? तुम ठीक हो ना नील? तुम्हें लगी तो नहीं ना ज्यादा? Oh God, Neil, that's so bad. How can they just hit and run away?
जब एक्सीडेंट हो रहा था तो कोई था वहां? किसी ने देखा वो एक्सीडेंट? अनन्या, अनन्या ने एक्सीडेंट होते हुए देखा है? हाँ, और उसी ने मेरी मदद भी की। आधी रात को जख्मी हालत में अगर वो मेरा ख्याल नहीं रखती तो आज पता नहीं मैं कहां पे होता। हेलो रिया। नील, क्या हम मिल सकते हैं प्लीज? मुझे तुमसे मिलके वैसे भी माफी मांगनी है। मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। एंड आई एम वरीड फॉर यू, प्लीज। रिया, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। नील लिसन, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि शुरुआत में कोई भी गलत फहमी। आई वॉन्ट टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग। क्या मैं तुमसे तुम्हारे घर आके मिल सकती हूँ प्लीज? श्योर, लेकिन आज नहीं, दो तीन दिन बाद। एक इम्पोर्टेंट केस के सिलसिले में थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद आई प्रॉमिस मैं तुमसे मिलूंगा। ओके, आई विल सी यू। थी? हाँ? आप नील से बात कर रही थी ना? हाउ इज ही? ठीक है। थी, ये अनन्या कौन है जिसके बारे में आप फोन में बात कर रही थी? मेरी फ्रेंड है। कोई आया था क्या बात? जी, वो अनन्या जी आई थी, आपके लिए पूछ रही थी। कहीं ये वही अनन्या तो नहीं? आई होप उसने नील को मेरे बारे में कुछ ना बताया। थी, आपकी फ्रेंड रहती कहाँ है? यही रहती है, मरीन प्लाजा प्लॉट नंबर 14। अनन्या, यू वेट एंड वॉच, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता।